हेलो फ्रेंड्स, भैया स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स ड्रीम लैंग्वेज में। हम आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ब्रुकलिन नेट्स वर्सेस 76ers के बीच जो आज का जो एनबीए का जो आज का फर्स्ट मैच खेले जाना है उसके देखते हैं क्या ड्रीम इलेवन टीम मिलती है दोनों टीम की तरफ से और देखते हैं क्या लाइनअप मिलते हैं दोनों टीम की तरफ से। लेकिन उससे पहले कैसे आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको विनिंग वीडियो भी मिलेगी ना कि लॉस वीडियो, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए रख देना। तो सीधा चलते हैं लाइनअप की तरफ बिना वक्त गवाते हुए। तो गाइस 76ers की तरफ से टॉबी हैरिस मिलेंगे, जो जेस बटलर रहेंगे, जोली मेडल रहेंगे, टीजे मैकलम और सीजे ग्रेट। टीजे मैकलम को बस इसलिए जगह दी कि इस मैच में 20 मौसम इंजोर्ड है, इसलिए वो भी वाला मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए इनकी जगह टीजे मैकलम को जगह दी है। और गाइस ब्रुकलिन की तरफ से कैरोल रहेंगे, कोरस रहेंगे, एलन हैरिस और रसल ये रहेंगे नेट्स की। आप देखते हैं बेंच पर कौन कौन बैठेगा। बेंच पर 76ers की तरफ से स्कॉटा रहेंगे, मिल्टन रहेंगे, सिमोंस, बोल्डन, जॉनसन और स्मिथ। और नेट्स की तरफ से डेली डेविस और वर्क्स के लवर्ट ये रहेंगे बेंच पर। आप देखते हैं आज क्या हमारे ड्रीम इलेवन टीम रहती है। उससे पहले गाइस आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करें प्लीज गाइस, पर से एक सब्सक्राइब वाले बटन पर आपको टच करना है, फिर देखो आप तुम्हारी ड्रीम इलेवन कैसे स्टार्ट होती है। तो सीधे चलते टीम की तरफ। तो गाइस मेरी टीम होती है श्योर टीम होती है, इसलिए मैं 100% विनिंग टीम देने की कोशिश करता हूँ और मैं 100% विनिंग टीम ही देता हूँ, ये बात आप याद रखना। तो स्टार्टिंग करते हैं पावर राडिंग में मैं डी रसल, SS Dwandy और टीजी मैकलो के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए चॉइस की बात है तो 20 मैचेस में भी इंजोर्ड इनको मत ट्राई करना, ए वाला मैच भी नहीं खेलेंगे, स्नैपर भी इस मैच में नहीं खेलेंगे, जिनको भी मत ट्राई करना। आपके लिए ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंडिंग में मिल्टन इस मैच में खेलते हुए मिल जाएंगे, ग्रैंडिंग में इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल डी रसल, SD1 और टीजी मैकलो के साथ जा रहा हूँ। फिर आते शूटर रन में आपके लिए मैं जे रिक्टर के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए चॉइस के बाद तो चॉइस में JRS भी इस मैच में अच्छी चॉइस हो सकता है, लेकिन करियर मेंटेन के लिए इनको नहीं लिया। लेकिन आप नहीं ले सकते भी 0.5 का मैं क्रेडिट मेंटेन, और मैंने ब्रुकलिन नेट्स के 5 प्लेयर प्रेफर किए क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में ब्रुकलिन नेट्स विन कर जाएंगे। और आपके लिए चॉइस की बात तो देख कर इसमें मैं नए आउट हो चुके टिपिन सर ने, फोगजे भी नहीं खेलेंगे, जेस्मिथ भी नहीं खेलेंगे, डीमूस भी नहीं खेलेंगे, इसलिए आपके लिए JRS से चॉइस बनती है और JRS फिल्म में JRS के साथ जा रहा हूँ। फिर आते स्मॉल फोर्ड, तो स्मॉल फोर्ड के करते तो स्मॉल फोर्ड में जोस बटलर है, फिर सी कार्लेट मिलेंगे, डी क्वारल मिलेंगे आपके लिए। फिर जीनस, पहले जीनस को मौका दिया जाता था लेकिन आप जेसिमोंस को मौका देकर जीनस को नहीं खिलाएंगे, इसलिए कहा इनमें से जेसिमोंस को मौका दिया है। डिग्राम और ये नहीं खेलेंगे, इसलिए फिर अगर मैं डिकोर जा रहा हूँ। आपके लिए बेस्ट चॉइस बोर्ड तो बेस्ट चॉइस जे बटलर, बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छा खेलता भी बनता है, अच्छी लिस्ट चॉइस हो सकती है। फिर आते हैं पावर फॉर्डिंग टॉबर्ट हैरिस मैच में अवेलेबल है, आर फिलिप वाला मैच नहीं खेलेंगे। फिर गाइस एम स्कॉटा पहले खेलते मिलेंगे, आर क्रॉस खेलते मिलेंगे, जो डेली खेलते मिलेंगे और जे बोल्टन भी इस मैच में खेलते मिलेंगे और विलियमसन और मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर आर क्रॉस के साथ जा रहा भी बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं। पहले टोबी हैरिस भी अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है इसलिए इनको नहीं लिया मैंने। फिर गए जाते सेंटर, तो सेंटर में मैं जोली मेडल एडविस के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए एलम भी अच्छी चॉइस हो सकती है और इस मैच में आपके लिए मार्जर और जॉनसन भी बेंच पर खेलते मिल जाएंगे दोनों टीम की तरफ से। तो आपके लिए इस मैच में ये अच्छी चॉइस हो सकती है, सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए, ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं। और JRN भी आपके लिए स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की दोनों में अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन फिर आपको पता है जोली मेडल किस फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसलिए इनके साथ वो मैंने लिया देखिए इनका फॉर्म। हालांकि इन्होंने पिछले मैच में नहीं स्कोर किया था, लेकिन ये दो मैच देखे कितना अच्छा स्कोर किया है गाइस।
इसलिए इनके साथ जा रहा हूँ मैं। फिर आते स्टार प्लेयर, तो मैं स्टार प्लेयर गाइज में जियो निम्बर के साथ ही जा रहा हूँ। और सेकंड चॉइस के बाद तो ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग में हम डीएलएसएल को बना सकते हैं स्टार प्लेयर से ग्रैंड लीग में। फिर चलते ट्रिब्यूट होगा जी हमारा, मैंने टीजे मैकनम, डीएलएसएल, यस डिवांडी, जेरिक ट्रैक, डी कॉर्नर, आरकोरस और जोनी मडिसा, इडवेस के साथ जा रहा हूँ। ये तो रहा हमारा टीम प्रिपार से, जरा बात करते हैं हमारी कल की विनिंग, क्योंकि मैं विनिंग इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि अगर आपका मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको विनिंग वीडियो मिल गई है, वो क्रिकेट हो या NBA, तो सीधे सीधे विनिंग की तरह। आज मैंने मेरे घर के वीडियो में बताया मैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब मैं 10 डेज के 500 रुपीज़ कमाते हो। वैसे जैसे कल अगर आप 30 डेज होते हैं उसमें 500 कर लीजिए, मतलब मेरा कितना होता है महीने का 15,000 में आराम से कमा जाता हूँ डी मिलियन के तरफ से। गाइस देखिए मैंने रैंक नंबर 1 लाई और मैंने 1 साइड विनिंग की थी गाइस, जो कि मैंने वो टीम, मैंने आईपीएल की टीम नहीं दिया था गाइस, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं है। अगर गाइस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और मेरे जब भी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगी मेरे टारगेट, मैंने मैंने मेरे मैंने समझे रखा है वो टारगेट खत्म होने के बाद मैं आपको आईपीएल की टीम स्टार्ट देना करूँगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं पेड़ जो जरूर देते हैं उनसे ज़्यादा मैं मतलब चेक करता हूँ मेरे पॉइंट, तो मैं उनसे ज़्यादा 50 या 60 पॉइंट से आगे ही होता हूँ। इसलिए मैं आपको फ्री में टीम दूंगा, इसलिए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बाकी कुछ नहीं। सीधा मैं आपको टीम प्रीव्यू दिखाता हूँ इसमें इसका। देखिएगा मेरा कैप्टन नहीं खेला, हालांकि मेरा वाइस कैप्टन बहुत खेला गया। मैंने कैप्टन गाज मैंने इसको बनाया वाइस कैप्टन, मैंने अगर इनको बना था मैं ग्रैंड लीग भी जीत सकता था। इसलिए गाज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको भी आईपीएल की टीम चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली हमारे NBA सेकेंड वीडियो में।